हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एलन ब्रेडली की पीएलसी में जो आरएस लॉजिक माइक्रो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कैसे मैं काउंटर काउंटर अप एंड डाउन दोनों काउंटर का यूज़ करके कैसे मैं दो मोटरों को आपस में स्टार्ट करूंगा। इसके पीछे हमारा लॉजिक ये रहेगा कि जैसे मेरे प्लांट में दो मोटर्स हैं, एक मोटर अगर 2 टाइम 3 टाइम्स डे में कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रही है, तो देन मेरा ये प्लानिंग रहेगा कि मैं उस मोटर को अब स्टार्ट ना करूं, मैं देन उसके बाद में दूसरी मोटर को मैं स्टार्ट करूं जो मेरी उसकी स्टैंड बाई मोटर रहेगी। बिकॉज प्लांट में बहुत सारी ऐसी मोटरें रहती हैं जो कंटिन्यूस स्टार्ट स्टॉप होने से, कंटिन्यूस उनमें फ्लक्चुएशन होने से उनको बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, मे बी उनका बर्नआउट का इशू रहता है। ये सभी इशू हम रिजोल्व कर सकते हैं काउंटर काउंटर से। अगर इन अ डे में अगर किसी ने मोटर्स 5 टाइम किसी ने ऑन ऑफ किया, तो देन आपका सेकंड जो काउंटर से आपकी सेकंड मोटर जो मैं लिंक करने वाला हूँ वो आपकी ऑन हो जाएगी। इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी काउंटर अप काउंटर डाउन काउंटर का भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं, मैं ये तीन सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ जिसमें आरएस लॉजिक माइक्रो एंड आरएस लॉजिक इमुलेटर एंड आरएस लिंक क्लासिक रहेगा। इसमें जो आरएस लॉजिक माइक्रो है इसमें मैं अपना लॉजिक क्रिएट करूँगा, इमुलेटर में हम इसको सिमुलेट करेंगे। मैं ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा तो मेरी ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप फाइल में जाके एक न्यू आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं माइक्रो लॉजिक 1100 सीरीज ए सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। मेरे पास सामने की ये विंडो है जिसमें हम लैडर प्रोग्रामिंग हमको करनी है। ये रंग है और इसमें ये नेटवर्क जो है इसमें हम सभी जो भी कंपोनेंट हमें ऐड करने हैं, जैसे कि NO NC जो आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, टाइमर काउंटर जो भी है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड देन जो मेरे लेफ्ट में है वो है PLC का, जो भी PLC के लिए हमको रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं, फंक्शन फाइल्स हैं, IO कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, वो सभी तरह की जो फाइल हैं वो डिफ़ॉल्टेड है, वो ऑटोमेटिकली PLC ने क्रिएट की हैं, इसमें सॉफ्टवेयर ने क्रिएट की हैं जो कि PLC को रिक्वायर्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लॉजिक है उससे हम एक तो प्लांट के अंदर में दो मोटरों के इशू को भी क्लियर करेंगे एंड देन इसके साथ में हमको दोनों काउंटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे उनकी एप्लीकेशंस है वो भी हमको क्लियर हो जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले क्लिक कर इसको पकड़ता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ एंड देन एक NO यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। आई इनपुट है हमारा, देन 0/0 इसका फर्स्ट मैं ले लेता हूँ स्टार्ट पुश बटन एंड देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। देन मैं सेकंड इसमें एक मोटर यूज़ कर लेता हूँ, इट मीन्स आउटपुट के लिए यूज कर लेता हूँ। देन इसको मैं Motor 1 इसको नेमिंग कर देता हूँ। देन अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक मोटर के लिए इसमें एक ये पुश बटन यूज़ किया, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा Motor 1 स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं इसको अनप्रेस करूँगा इट मीन्स इसकी वैल्यू को 1 करूँगा तो मोटर चल जाएगी, 0 करूँगा तो वैल्यू 1 मोटर बंद हो जाएगी आपकी। अभी मैं एक नेटवर्क इंसर्ट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इस मोटर के रेफरेंस से मुझे काउंटर को ऑपरेट करना है एंड देन काउंटर की जो 5 वैल्यू आने के बाद में मेरी दो मोटर जो है दो जो सेकंड मोटर मेरी स्टार्ट होनी चाहिए उसको मेरे को रेफरेंस देना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसमें एक NO लेता हूँ और एक मोटर का रेफरेंस यहाँ पर दे देता हूँ, इट मीन्स 0:0 जो मोटर का एड्रेस रहेगा मैं वही एड्रेस यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड देन इसमें मैं एक काउंटर यूज कर लूँगा। आप ऊपर जाके देखेंगे ये टाइमर रहा और यहाँ पर काउंटर में मैं ये CTU काउंटर आप ये ले लूँगा और यहाँ पर जो काउंटर के लिए हमें यूज़ करनी है एड्रेसिंग वो C5:0, इट मीन्स ये C5 से स्टार्ट होंगे। मैं एंटर कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं अप काउंट लिख कर काउंटर एंड देन मैं इसको 5 वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट में कर देता हूँ। देन 0 वैल्यू से एंड देन यहाँ पर मैं एक सेकंड मोटर के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क इंसर्ट कर लेता हूँ एंड देन इसमें मैं अभी आपको काउंटर का जो मैं
पर एक कर लेता हूँ, एक मोटर यूज़ कर लेता हूँ। इसमें मैं अभी काउंटर का जो है रेफरेंस यहाँ बनाने वाला हूँ, C5:: आप ओनली जो एड्रेस आपने काउंटर के लिए यूज़ किया है वही एड्रेस आप यहाँ डाल देते हैं तो वो आपका रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। टेन आउटपुट 0/1 एंड मोटर नंबर 2। अभी आपने चेक किया, मैंने फर्स्ट यहाँ पर ये स्टार्ट पुश बटन किया, इसको स्टार्ट करूँगा, मोटर 1 स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, मोटर के रेफरेंस से काउंटर को वैल्यूज मिलेगी कि मोटर 1 टाइम स्टार्ट हो गई है, एंड देन ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगेन मैंने इस बटन से पुश से बटन को स्टॉप किया एंड अगेन स्टार्ट किया, तो ऐसे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे ही ये काउंटर की वैल्यू 5 पहुंच जाएगी, मेरा इस अप काउंटर से ये मोटर नंबर 2 चालू हो जाएगी। बट अभी जो लॉजिक क्रिएट किया है उसी लॉजिक के हिसाब से मोटर 1 स्टॉप नहीं होगी। मोटर 1 को स्टॉप करने के लिए मैं इसमें एक NC कॉन्टैक्ट जो है काउंटर का दे देता हूँ, जिसके लिए मुझे C5:0 एंड देन DN ये मैं यहाँ दे देता हूँ, और अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव किया, एक बार इसमें एरर चेक कर लेता हूँ, नो एरर फाउंड में हुआ है, एंड देन इसको PLC में डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड किया, उसके बाद में मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद में मैं इसको फोर्सली ऑन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया, मेरी मोटर 1 स्टार्ट हो गई है, और काउंटर में आप प्रेजेंट वैल्यू 5 थी और आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 आ गई है। इट मीन्स मेरे काउंटर ने सेंस कर लिया कि मेरी मोटर एक बार स्टार्ट हो गई है। मैं इसको फोर्सली ऑफ कर देता हूँ पुश बटन को, देन मैं फिर से ऑन करूँगा, देन आप चेक करेंगे काउंटर की वैल्यू अभी यहाँ पर 2 आ गई है। देन फिर से मैं इसको एक बार स्टॉप करूँगा, फिर मैं इसको फोर्सली ऑन करूँगा, वैल्यू 3 आ गई है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देन फिर मैं इसकी वैल्यू 4 आ गई है, ऑफ़ कर देता हूँ, देन फिर से ऑन करूँगा तो वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे ही मेरी वैल्यू यहाँ पर 5 आती है, अब चेक करेंगे कि मेरी मोटर का जो नंबर 2 थी उसको जो रेफरेंस मैंने काउंटर से दिया था वो स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आपकी मोटर नंबर 1 जो है ऑफ हो जाएगी। ये मेरा लॉजिक था जो मैंने अप काउंटर से यूज़ किया हुआ है। देन यही लॉजिक मैं डाउन काउंटर से भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं अभी ऑफलाइन आ जाता हूँ, पहले फर्स्ट मैं ऑफलाइन आ जाता हूँ। अभी हम ऑफलाइन आ गए हैं, और मैं अभी सेम जो लॉजिक है उसको मैं अभी आपको डाउन काउंटर से रिप्लेस करके और इसको वर्क करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस काउंटर को डिलीट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर डाउन काउंटर को यूज़ करता हूँ। मैं C5 इंसर्ट करता हूँ, :0, एंड देन इसकी वैल्यूज में माइनस में ले जाता हूँ बिकॉज हमारा डाउन काउंटर है। एंड देन मैं इसकी अपर काउंटर की नेमिंग भी चेंज कर देता हूँ, देन यहाँ पर डाउन काउंटर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बट बिकॉज मेरा डाउन काउंटर है तो वो स्टार्टिंग में ऑन रहेगा, देन एट द एंड में जैसे ही वैल्यू हमारी सेट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू से अबव जाएगी वो ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं इसके डाउन काउंटर में जो मैंने मोटर के लिए यूज़ किया था मैं उसको NC को डिलीट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मेरी वैल्यू सेम रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। ओनली जस्ट जो चेंज था मैं यहाँ पर NC बिकॉज वो स्टार्टिंग में ऑन रहेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक NO यूज़ कर लेता हूँ तो मैं सेम इस इशू को यहाँ पर भी रिजोल्व कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन एक NO लूँगा, यहाँ पर NO क्रिएट करूँगा, एंड देन C5:0 एंड डाउन, बिकॉज जो काउंटर है दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक अपर है डाउन है, थोड़ा सा उनको लॉजिक के लिए उसके हिसाब से ही उनको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है लॉजिक को। एंड देन मैं ओके करके एंड देन मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, रन लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा आप देखेंगे, मैं इसकी वैल्यू को ऑन करूँगा, आप देखेंगे मेरा काउंटर -1 चला गया है, एंड देन मेरी मोटर 1 भी स्टार्ट है, 2 भी स्टार्ट है, बिकॉज डाउन काउंटर में पहले मोटर स्टार्ट रहेगी, देन उसके बाद में बंद हो जाएगी।
बिकॉज ये अगर काउंटर 5 से ऊपर अबव चला गया देन मेरी सेकंड मोटर ऑफ हो जाएगी। मैं फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं इसको फोर्सली ऑन कर देता हूँ। ऐसे मैं 5 टाइम्स रिपीट करता हूँ और आप देखेंगे मेरा काउंटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अभी 4 आ गया है। एंड देन लास्ट अभी मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर किया ऑन आ गया और 5 आ गया। अब जैसे ही मैं लास्ट इस वैल्यूज को मेरे काउंटर से अबव जाएगी मेरी सेकंड मोटर जो है वो भी ऑफ हो जाएगी एंड फर्स्ट मोटर भी मेरी जो है वो ऑफ हो जाएगी। मैं इसको ऑफ किया एंड देन ऑन। अब आप देखेंगे मेरी दोनों मोटरें ऑफ हो गई हैं इस काउंटर से, ना मैं फर्स्ट मोटर अभी यहाँ पर फर्स्ट मोटर भी मैंने ऑफ करके मैं ऑन करने की भी प्लानिंग करूँगा तो ये नहीं करेगी। इसमें मेरी दोनों मोटरें सेफ हो गई हैं, उसमें मेरी एक ही मोटर जो सेकंड नंबर पे मोटर मेरी स्टार्ट हो जा रही थी, इसमें मेरी जो मोटर्स है वो ऑफ हो जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको ये बहुत ही मैंने बेसिक से क्लियर किया, आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।